खबर मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पुलिस ने प्रेस वार्ता कर सूरज पांडे गोलीकांड का खुलासा किया है। बता दें, पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी सूरज के दोस्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरे गोलीकांड के मामले में मुख्य आरोपी द्वारा लगातार पुलिस को गुमराह कर नकाबपोशों द्वारा गोली मारने की घटना का जिक्र पुलिस के सामने किया जा रहा था। बता दें, जिसके बाद पुलिस ने मामले की बारीकी से तफ्तीश की, जिसके बाद पुलिस के हाथ सीसीटीवी के अहम सुराग लगे, जिसमें आरोपी गौरव उर्फ ऋतिक पांडे हाथ में देसी रिवॉल्वर से सूरज को गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गोलीकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शुक्रवार को शाम को ये एक घटना सामने आई कि सूरज पांडे नामक एक युवक को हाईवे 30 पे, नेशनल हाईवे 30 पे जो है, दो नकाबपोश अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई और लूट करने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे घटना में यह खुलासा हुआ है कि सूरज को जो गोली लगी है उसके ही साथी गौरव पांडे के द्वारा लगी है, और ये घटना चौकी झुकही जिला सतना के अंतर्गत भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, उसी ऑफिस के अंदर ये घटना हुई थी। और इसका हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हो गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस घटना में जो आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया था, फायर आर्म्स का, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।